नमस्कार, मैं रेनू करदम और आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी। अनु टंडन जी ने उन्नाव में कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी। वैक्सीन लेने के बाद आज किसी मीटिंग में जाते समय लाइव आकर अपने शुभचिंतकों से बात शेयर की। उन्होंने कहा कि जो वैक्सीन लेने के लिए योग्य हैं, उन्हें वैक्सीन लेने के लिए बिना किसी देरी के आगे जाना चाहिए। यह पूरी तरह सुरक्षित है, लोग किसी तरह के डर से न रहें, कोरोना के बीच सामान्य जीवन चलता रहे। इसके चलते जरूरी है कि जल्द से जल्द सभी लोग वैक्सीन लें। 4 तारीख को मैंने अपना टीका लगवा लिया। टीकाकरण समाज के लिए होता है, लेकिन टीका लगवाना अपनी ही सुरक्षा के लिए होता है। बहुत सारे भ्रम फैल रहे हैं कि टीका लगवाने से न जाने क्या हो जाएगा, लेकिन आपको मैं बताना चाहती हूँ कि टीका लगवाने के बाद कोई परेशानी नहीं हुई। एक दिन की परेशानी तो स्वाभाविक है, छोटा सा बच्चा भी जब टीका लगवाता है तो उसको कभी बुखार आ जाता है, उसको थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट होती है, तकलीफ होती है, तो ये स्वाभाविक है। पर एक दिन के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई और अपने काम पे लग गई। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भ्रम है कि टीका लगवाने से कोरोना हो सकता है, तो ये बात सत्य है, कोरोना हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि कोरोना आपको ना हो। आपको मास्क लगाए रहना पड़ेगा, आपको दूरी बनाए रखनी पड़ेगी, लेकिन फायदा क्या है? फिर फायदा ये है कि अब अगर कोरोना हुआ तो आपको शायद अस्पताल ना जाना पड़े, आपकी जान नहीं जाएगी। तो इसलिए बुजुर्गों को या जो बीमार हैं उनको अगर आप टीका लगवा देंगे तो कोरोना की वजह से कम जान नहीं जाएगी। और धीरे धीरे समाज के सभी लोगों को अगर टीका लग जाएगा तो इससे हम बेहतर लड़ पाएंगे और पूरा समाज बिना कोरोना के एकदम कोरोना फ्री हो जाएगा।